ये है एक OnePlus 6। एंड यार आप लोगों को बताओ, OnePlus 6 एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन रहा था पिछले 2-3 महीने में, और भाई अब जो है OnePlus 6T आने वाला है सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर, मतलब परसों लॉन्च है उसका। बट यार हमको ये चीज़ तो पता है कि OnePlus 6T कैसा होगा, क्या उसके अंदर स्पेसिफिकेशन होंगी और क्या उसके अंदर OnePlus 6 से अलग होगा। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर नहीं बात करेंगे OnePlus 6T के बारे में, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे OnePlus 7 के बारे में। जी हाँ गाइस, OnePlus 7। तो यार ये जो स्मार्टफोन होगा ये OnePlus बहुत ही जल्द 6T के बाद लॉन्च कर ही देगा। आप लोगों को पता है जैसे कि अगले साल 2019 के अप्रैल या मई में ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा बैक हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। तो यार देखो, OnePlus जो है ना पिछले 2-3 सालों से माना जाता है बेस्ट फ्लैगशिप किलर फ़ोन। फ्लैगशिप किलर बेसिकली जो मेन फ्लैगशिप फ़ोन होते हैं जैसे सैमसंग के हो गए और आईफोन हो गए, इन सबको किल करने वाला फ़ोन। तो जैसे आप लोगों को पता होगा ये फ़ोन आते हैं 30 से लेकर 35 हज़ार के बीच के अंदर, और ये बेस्ट माने जाते हैं और बहुत लोग इन्हें लेते हैं क्योंकि इनकी स्पेसिफिकेशन से लेकिन इनका डिज़ाइन, इनकी बिल्ड क्वालिटी सब कुछ ऑसम होती है, और आफ्टर सेल सर्विसेज एंड इसका जो अंदर आपको OS मिलता है सभी कुछ ऑसम है। बट अब यहाँ पे बात आती है कि OnePlus 6T और OnePlus 7 में से किसके लिए हमें वेट करना चाहिए। तो यार देखो, साफ सीधी सी बात है, आप लोगों को OnePlus 7 के लिए वेट करना है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप लोगों के पास OnePlus 6 है तो OnePlus 6T की तरह आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं देखना। सबसे पहली बात तो यार देखो, मैंने भी OnePlus 6 लिया था मई के अंदर, एंड गाइस इस फोन को यूज़ करते हैं मेरे को 4-5 महीने ही हुए हैं, और अब जो नया फोन है यार, चलो OnePlus 6T आ तो रहा है, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार देखो यार, उस फोन के अंदर सबसे बड़ी मेन ये चीज़ है कि आपको कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स नहीं मिल रही, वो बहुत ही सटल चेंजेस होते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं भाई, अपना OnePlus 6 बेच देंगे, 6T ले लेंगे, तो वो चीज़ अगर आप लोगों अगर सोचो ना ध्यान से, तो आप लोगों नहीं करनी, क्योंकि जो OnePlus 6T है उसके अंदर आपको बहुत ही छोटे छोटे अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे। अगर आप देखो कैमरा वाइज तो फोन हाँ अपग्रेड होगा, सामने डिस्प्ले के अंदर आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी, और ये बहुत ही ज़्यादा रेंडर्स में आ चुका है। और आज ही TLD जॉनाथन मॉरिसन ने एक वीडियो पब्लिश कर दी, उसके अंदर वीडियो के अंदर पूरी नॉच दिख रही थी, जबकि वो जो फ़ोन था उन्होंने बिल्कुल ऐसे छुपा रखा था, ब्लर कर रखा था, लेकिन फिर भी मेरे को नॉच दिख गई उसके अंदर। तो यार वाटर ड्रॉप नॉच होगी जैसे Realme 2 Pro के अंदर आपको मिलती है फॉर एग्जांपल, एंड साथ ही आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा इस फोन के अंदर OnePlus 6T के अंदर। तो ये फोन कुछ ज़्यादा बड़ा अपग्रेड नहीं है ओवर दी OnePlus 6। बट जो OnePlus 7 होगा यार, वो बहुत ही बड़ा अपग्रेड होगा। सबसे पहला उस फोन का जो डिज़ाइन होगा बिल्कुल रिवैम्प्ड हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को बताओ OnePlus जो है हमेशा हमारे को डिज़ाइन नया देता रहता है। तो OnePlus 6 का उन्होंने नया डिज़ाइन दिया, 6T के साथ नया दिया, और भाई अब जो OnePlus 7 है उसके अंदर वो मेरे को लगता है बिल्कुल बेजल लेस जाने वाले हैं। तो जैसे Vivo Nex या आपको Oppo Find X के अंदर देखने को मिलता है डिज़ाइन, वैसा ही कुछ अब हमारे को OnePlus 7 के अंदर देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपको Qualcomm का Snapdragon 855 प्रोसेसर देखने को मिलेगा उस फोन के अंदर। एंड ये चीज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ, Qualcomm जो है दिसंबर के अंदर अपना नए जनरेशन का फ्लैगशिप वाला प्रोसेसर लॉन्च करने वाला है जो कि 855 होगा। तो यही प्रोसेसर आपको OnePlus 7 के अंदर देखने को मिलेगा जो कि बीस्ट होगा, और ऑब्वियसली 845 से थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे मैंने डिज़ाइन की बात करी थी इस फोन की OnePlus 7 की, तो यार डिज़ाइन जो आपको मिलने वाला है बेजल लेस जो कि अभी तक बताया जा रहा है, और बेजल लेस डिज़ाइन जैसे मैंने आपको बताया Oppo Find X जैसा लग सकता है। एंड उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे मोटराइज वाला कुछ ना कुछ कैमरा सिस्टम देखने को मिलेगा, जैसे Xiaomi के Mimix 3 में भी हमें देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं OnePlus जो है इन सभी से कुछ ना कुछ हिंट लेके कुछ कर सकता है ऐसी ही। तो OnePlus 7 होगा इन सभी का बहुत बड़ा अपग्रेड, और उसके अंदर आपको और अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे 10 GB की रैम हो गई। तो बेसिकली उसका जो बड़ा वाला मॉडल होगा शायद 10 GB की रैम के साथ आएगा, और मेरे को लगता है क्योंकि Mimix 3 के अंदर ऐसा हुआ है, साइज उसका बेस वेरियंट शायद जो है 8 GB वाला हो जाए। तो यार ये चीज़ जो है बहुत चेंज होने वाली है। साथ ही वहाँ पे आपको Quad HD की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, Quad HD, अभी हमारे को Full HD की देखने को मिलती है, उसके अंदर Quad HD होगी। तो ये चीज़ भी हमारे को बहुत चाहिए। साथ ही आपको डिज़ाइन तो जैसे मैंने आपको बताया सामने से तो बिल्कुल वही मिलेगा, पीछे से कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं बट इतने ज़्यादा नहीं। देन अब बात आती कैमराज की, तो हाँ यार कैमराज जो है बिल्कुल मस्त होने वाले हैं। अपने पिछले 2 जनरेशन के स्मार्टफोन के साथ कैमराज जो है इम्प्रूव करता जा रहा है, तो मेरे को लगता है कि OnePlus 7 के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला और अमेजिंग वाला कैमरा आ सकता है। तो यार यही है कि OnePlus 7 जो है हमारे को अप्रैल या मई के अंदर देखने को मिल जाएगा अगले साल। तो अगर आप लोग वेट कर सकते हो, और अगर आपके पास OnePlus 6 है तो यार अभी आप वेट करो और अप्रैल या मई में आपको OnePlus 7 देखने को मिल जाएगा। तो यार वो फोन एक मेरे को लगता है एक वर्दी अपग्रेड होगा ओवर दी OnePlus 6। बाकी OnePlus 6T एक छोटा सा अपग्रेड है, और उनको बस एक कंपनी को जाता है ना कि हमारे को एक साल के अंदर 2 स्मार्टफोन निकालने, तो वो उन्होंने ट्रेंड अपना रखा है, पहले क्वार्टर के अंदर एक फोन निकाला, अब सेकंड जो क्वार्टर है उसके अंदर सेकंड फोन निकाल रहे हैं। तो बेसिकली ये OnePlus की थ्योरी है। तो मेरे को यार कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आप लोग OnePlus 7 के लिए वेट करोगे या फिर 6T के लिए आप लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो। वीडियो आप लोगों को OnePlus 6T की मिल जाएगी ट्यूजडे रात को। तो चैनल को सब्सक्राइब, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।